वेलकम टू माई चैनल फूड पैराडाइज। और आज हम बना रहे हैं साबुदाने आलू की टिक्कियां। चलिए शुरू करते हैं। ये आलू साबुदाने और आलू की टिक्कियां बनाने की सामग्री है। ये है 5 बॉइल्ड आलू जिसको हमने मैश कर लिया, और ये 1 कप भिंगोया हुआ साबुदाना है, और ये हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, ये हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, ये बारीक कटा हुआ अदरक है, और ये नमक है, और ये आपको कॉर्नफ्लोर पाउडर है। और शुरू करते हैं रेसिपी। ये मैश किया हुआ आलू है, इसमें हम डालेंगे साबुदाना। एक घंटे भिगोने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाता है। देखिए, इसको ऐसे मिलाएंगे आलू और साबुदाने को। ये इसमें डालेंगे नमक 2 चम्मच, फिर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया, इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। फिर डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ, इसमें हमने डाला अदरक। फिर स्वाद अनुसार डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर डेढ़ से 2 चम्मच। अब इसको बिल्कुल मिलाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल मिल चुका है। अब इसकी छोटी छोटी गोले बना लेंगे। ये इसके छोटे छोटे गोले बनाने हैं। पहले हाथ में थोड़ा सा रिफाइन या ऑयल या तेल मस्टर्ड ऑयल लगा लें। गोले बनाने हैं, उसको हल्का सा प्रेस करना है इस तरीके से। देखिए, ये देखिए, हमने इसके छोटे छोटे टिकिया बना लिए। अब चल रहे इसको हल्के आंच पे फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल 2 या 3 चम्मच। थोड़ा सा गर्म हो गया। अब डालेंगे इसमें आलू साबुदाने की टिकिया। इसकी आंच थोड़ी धीमी, गैस की आंच थोड़ी धीमी, तो थोड़ा सा ज्यादा रखना है कि अच्छे से तल जाए। देखिए, थोड़ा उनका फ्राई हो रहा है। ये देखिए, इसको पलटना है। देखिए, इसका कलर कितना सुंदर आ गया है, गोल्डन कलर। देखिए, दोनों साइड की तरह इसको हल्के आंच पे फ्राई करना है। इसी तरह देखिए, इसकी अब कलर आ चुकी है। इसे आप हरी धनिया की चटनी, सॉस, इमली की चटनी, किसी भी चीज के साथ, ये तीनों चटनियों के साथ आप खा सकते हैं। खाने में बिल्कुल टेस्टी है। देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।